हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इन प्रेगनेंसी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोकोलाइटिक एजेंट्स। टोकोलाइटिक एजेंट्स में कौन कौन से ड्रग्स को शामिल किया गया है, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। तो पहला होता है बीटा माइमेटिक्स, सेकेंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, थर्ड मैग्नीशियम सल्फेट, फोर्थ कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर, नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले बीटा माइमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बीटा माइमेटिक्स में कॉमनली तीन ड्रग्स यूज की जाती है, टर्बुटालिन, रिटोड्रीन एंड आइसोचुरपाइन। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ये, जैसे कि एडिनाइलेट साइक्लेज, CAMP एंड प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और रिड्यूस इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम, जो इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, एंड इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ MLCK और MLCK को जो एक्टिवेशन है MLCK का उसको इनहिबिट करता है। तो MLCK क्या होता है, एक मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के काम आता है। मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। और कॉमनली ये तो हमने पढ़ लिया बीटा माइमेटिक्स की डोज रिटोड्रिन। तो रिटोड्रिन की कितनी डोज देते हैं, IV इन्फ्यूज़न के द्वारा इसको दिया जाता है। तो IV इन्फ्यूज़न में इसको देते हैं 50 माइक्रोग्राम पर मिनट इसको देते हैं एंड इंक्रीज बाय 50 माइक्रोग्राम एवरी 10 मिनट, ओके, अनटिल कॉन्ट्रैक्शन सीज, जब तक कि यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन सीज नहीं होता है जब तक कि उसको देते हैं, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम डोज 350 माइक्रोग्राम पर मिनट तक ही इसको दे सकते हैं और इसकी जो इन्फ्यूज़न है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है 12 आवर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन सीज तक, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सीज हो गए उसके 12 आवर के बाद तक भी इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में टर्बुटालिन की क्या डोज देते हैं, तो टर्बुटालिन में हैज़ लॉन्गर हाफ लाइफ, टर्बुटालिन की जो हाफ लाइफ है वो लॉन्गर होती है एंड हैज़ फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट, और साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। तो इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है 0.25 mg एवरी 3 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोचुरपाइन, ये देते हैं IV ड्रिप 100 mg इन 5D जो सॉल्यूशन होता है उसमें इसको देते हैं, उसकी रेट रखी जाती है माइक्रोग्राम पर मिनट to continue for at least 2 hours after contractions, इसको जो contraction cessation के 2 hours, मतलब जब तक contraction रुक जाएंगे उसके बाद तक 2 hours तक दे सकते हैं इसको। maintenance dose इसकी रखी जाती है by IM 10 mg 6 hourly for 24 hours, ठीक है। tablet 10 mg और टैबलेट देते हैं 10 mg 6 to 8 hourly, ठीक है, ये इसकी मेंटेनेंस डोज है क्या। उसके बाद में जो आइसोचुरपाइन है उसकी कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं, मतलब क्या क्या नर्सिंग असेसमेंट किया जाता है। तो जैसे BP पल्स लेना होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, रेगुलरली BP पल्स चेक किया जाता है, ठीक है। BP को लिया जाता है लाइंग और स्टैंडिंग दोनों पोजीशन में लिया जाता है, ठीक है। और यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी क्या है, लेंथ क्या है वो देखा जाता है और फीटल हार्ट टोन सुनी जाती है, ठीक है। और
और इसको विद मील दिया जाता है ताकि जीआई अपसेट ना हो, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, और थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स देखा जाता है, जैसे कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ प्री टर्म लेबर, जो प्री टर्म लेबर है वो एब्सेंस उसको उसकी एब्सेंस है कि नहीं, मतलब प्री टर्म लेबर अगर होने वाला है तो वो एब्सेंट हुआ है कि नहीं, और इंक्रीज पल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो टोकोलाइटिक एजेंट का क्या मतलब होता है कि जो टोकोलाइटिक एजेंट वो क्या होते हैं कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि लेबर को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब 48 टू 72 हावर्स तक लेबर को इनहिबिट कर देते हैं, और कई बार एक वीक तक भी लेबर को इनहिबिट करते हैं। तो अगर प्री टर्म लेबर होने वाला है तो इस कंडीशन में टोकोलाइटिक एजेंट्स देते हैं, ठीक है, ताकि कोर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर किया जा सके पहले लंग फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए। उसके बाद में जो रिटोड्रिन है, रिटोड्रिन का नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, मैटरनल फीटल हार्ट टोन को असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न, ठीक है, और इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, और फ्लूड इनटेक को मैक्सिमम करते हैं ताकि फ्लूड इनटेक इज प्रिवेंट फ्लूड ओवरलोड, ठीक है, एंड डिसकंटिन्यू इफ दिस अकर, ठीक है, अगर फ्लूड ओवरलोड हो रहा है तो फ्लूड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एडमिनिस्टर ओनली क्लीन सॉल्यूशन, ठीक है, और आफ्टर डाइल्यूशन 150 mg इन 500 ml GDW और NS, ठीक है, इट इज़ गिव एट 0.3 mg/ml एंड इट यूजिंग इट, मतलब इसके लिए इन्फ्यूजिंग पंप का यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर केयरफुली मॉनिटरिंग की जाती है कंटिन्यूस। और उसके बाद में पेशेंट को पोजीशनिंग दी जाती है, लेफ्ट लेटरल रिकमेंड पोजीशन दी जाती है जिससे कि हाइपोटेंशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, और रिनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। उसके बाद में इवैल्यूएट किया जाता है डिक्रीज इंटेंसिटी के लिए, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एब्सेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, डिक्रीज बीपी, ठीक है, इन सब के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। और पेशेंट को टीच किया जाता है कि जब तक इन्फ्यूज़न चल रहा है रिटोड्रिन का तब तक वो बेड पे ही रहे, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन में रहे। उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट, बीटा मायोमेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट क्या है, मैटरनल साइड इफ़ेक्ट। तो मैटरनल साइड इफ़ेक्ट में होता है हेडेक, पाल्पिटेशन, टेकीकार्डिया, पल्मोनरी इडिमा, हाइपोटेंशन, कार्डियक फेलियर, ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया, ARDS, हाइपर इंसुलिनीमिया, लैक्टिक एसिडेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में नियोनेट, नियोनेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और आईवी हेमरेज हो सकता है। उसके बाद में एंडोमिथासिन, एंडोमिथासिन पढ़ते हैं उसके बाद में हम। तो एंडोमिथासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, देयर बाय रिड्यूस इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम, ठीक है, और एक्टिवेशन ऑफ MLCK, ठीक है, जो MLCK है जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है उसको भी, उसके एक्टिवेशन को भी रिड्यूस करता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसकी डोजेस कैसे देते हैं कि इसकी डोज देते हैं, लोडिंग डोज देते हैं इसकी 50 mg पर ओरल और PR फॉलोड बाय 25 mg एवरी 6 आवर फॉर 48 आवर्स, ठीक है,
और साइड इफेक्ट होते हैं इसके, मेटलन साइड इफेक्ट, हार्ट बर्न, जीआई ब्लीडिंग, एस्थमा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड रीनल इंजरी। उसके बाद में देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में दो होते हैं, निफिडिपिन एंड निकार्डिपिन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो निफिडिपिन ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल्स, ओके, कंपेयर टू बीटा बायोमेटिक्स। ठीक है, बीटा मायोमेटिक्स की तरह ये कैल्शियम को जो कैल्शियम जो सेल के अंदर एंट्री होता है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, कंपेयर टू बीटा मायोमेटिक इफेक्ट आर लेस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा मायोमेटिक्स है उसके कंपैरिजन में इसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। ठीक है, बट ये मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है MgSO4 उसके इक्वल में इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसकी डोज कैसी होती है, ओरल 10-20 mg एवरी 6-8 आवर्स। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साइड इफेक्ट, मेटरनल हाइपोटेंशन, हेडेक, फ्लशिंग एंड नोजिया। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, ये कैल्शियम आयन को इनहिबिट करता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में नहीं देते कैल्शियम सल्फेट, मिस्थेनिया ग्रेविस में और इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन में नहीं देते। डोज क्या होती है, लोडिंग डोज इसकी होती है 4-6 ग्राम आईवी ओवर 20-30 मिनट। ठीक है, फॉलोड बाय एन इन्फ्यूज़न, उसके बाद में इन्फ्यूज़न स्टार्ट करते हैं 1-2 ग्राम पर आवर टू कंटिन्यू टोकोलाइसिस फॉर 12 आवर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हैव स्टॉप्ड। ठीक है, और 12 आवर कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप के 12 आवर बाद में भी बाद तक इसको देते हैं। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट के साइड इफेक्ट, तो मेटरनल इसके साइड इफेक्ट होते हैं फ्लशिंग, परस्पिरेशन, हेडेक, मसल्स वीकनेस और पल्मोनरी इडिमा, रेयरली होता है ये तो। उसके बाद में नियोनेटल साइड इफेक्ट होता है लिथार्जी, हाइपोटोनिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेयरली। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है उसके एंटागोनिस्ट होता है, उसके एंटी में काम करता है। ठीक है, तो इसका ही ड्रग्स है, मेन एग्जांपल इसका एटोसीबेन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट ब्लॉक्स मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, जो मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है। इसकी डोज क्या होती है, आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं 300 माइक्रोग्राम पर मिनट, इनिशियल बोलस में भी नीडेड। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग एंड चेस्ट पेन। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे हो गए टोकोलाइटिक एजेंट्स। उसके बाद में हम एंटी कन्वल्जेंस एजेंट पढ़ते हैं। तो एंटी कन्वल्जेंस एजेंट में मैग्नीशियम सल्फेट सबसे पहले, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एंटी कन्वल्जेंट में भी यूज होता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इट डिक्रीज द एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करता है। और डोज इसकी क्या होती है, IM लीडिंग डोज 4 ग्राम IV। ठीक है, 20% सॉल्यूशन ओवर 3-5 मिनट तक इसको देते हैं टू फॉलोड 10 ग्राम डीप IM। ठीक है, उसके बाद में 10 ग्राम डीप IM इसको देते हैं, 5 ग्राम इन ईच बटक्स। ठीक है, एक ही बटक्स पे 10 ग्राम नहीं देते, दोनों बटक्स पे 5-5 ग्राम का इसको देते हैं। उसके बाद में इसके मेंटेनेंस डोज रखते हैं 5 ग्राम डीप IM ऑन अल्टरनेट बटक्स एवरी 4 hourly। ठीक है, उसके बाद में इसकी IV लोडिंग डोज होती है, वो होती है 4-6 ग्राम IV इसको देते हैं ओवर 15-20 मिनट। ठीक है, तो 15-20 मिनट इसको देते हैं IV, और इसकी मेंटेनेंस डोज होती है 1-2 ग्राम पर आवरली IV इन्फ्यूज़न। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट के साइड इफेक्ट होते हैं कुछ। मैग्नीशियम सल्फेट इज रिलेटिव सेफ बट सेफ एंड इज द ड्रग ऑफ चॉइस मस्कुलर पैरेसिस, डिमिनिश्ड नी जर्क, रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड रीनल फंक्शन टू बी मॉनिटर। ठीक है,
उसके बाद में एंटीडोट इसका क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है 10% 10 ml IV, ठीक है। इसका नर्सिंग जो नर्सिंग कंसिड्रेशन इसका क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट का नर्सिंग कंसिड्रेशन वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट लेना है आफ्टर IV डोज, ठीक है। और मॉनिटर मैग्नीशियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल को मॉनिटर करना है, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट कब देते हैं, जब एंटी कन्वर्जेंस एजेंट है ना ये, तो एंटी कन्वर्जेंस एजेंट कब देते हैं, जब एक्लेम्सिया हो, ठीक है, एक्लेम्सिया की कंडीशन हो जहाँ पे कन्वर्जेंस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एपिलेप्सी हो सकती है, मेनिनजाइटिस या सेरिब्रल मलेरिया या सेरिब्रल ट्यूमर्स, इन सब में भी फिट्स आ सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय ये ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद में इसके जो अगर ये लेबर के दौरान अगर इसको यूज किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम और इंटेंसिटी नोट करते हैं, ठीक है। और यूरिन आउटपुट शुड बी रिमेन 30 ml पर आवर, ठीक है, और मोर इफ लेस नोटिफाई फिजिशियन, ठीक है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन व्हेन यूज्ड एज टोकोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है। रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, नीजर्क एंड पटेलर रिफ्लेक्स। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं तो जो कैल्शियम ग्लूकोनेट जब हम कब देते हैं, क्योंकि इसका एंटीडोट है वो, तो जब मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है तो उस कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। और IV इन्फ्यूज़न पंप का यूज करते हैं या फिर मॉनिटर, केयरफुली मॉनिटरिंग की जाती है जब ये ड्रग्स दी जाती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, ठीक है। और सीजर्स के प्रिकॉशन के लिए क्लाइंट को सिंगल रूम में विद डिक्रीज स्टिमुलाई के साथ में रखा जाता है और पैडेड साइड रेल्स लगाई जाती हैं, ठीक है। और पेशेंट की साइड पोजीशन है वो लेफ्ट लेटरल रिकमेंड पोजीशन रखी जाती है टू डिक्रीज हाइपोटेंशन एंड इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। उसके बाद में इवैल्यूएट किया जाता है पेशेंट को, किस लिए, कि मेंटल स्टेटस उसका देखा जाता है, सेंसोरियम मेमोरी उसकी देखी जाती है, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखा जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं है, रेट क्या है, रिदम क्या है, ठीक है। और हाइपर मैग्नीशिया, मैग्नीशियम की कोई कंडीशन तो नहीं हो रही है, तो उसमें हाइपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियमिया मतलब हाइपर मैग्नीशियमिया मतलब ब्लड में मैग्नीशियम की लेवल है वो ज़्यादा होना, तो उसमें क्या होगा कि डिप्रेस पटेलर रिफ्लेक्स हो जाएगा, फ्लशिंग, कन्फ्यूजन, वीकनेस, फ्लैसिड पैरालिसिस, डिजनिया, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न भी देखते हैं। अगर ये ड्रग्स अगर डिलीवरी के 24 आवर पहले ही अगर दी गई है तो न्यूबॉर्न में भी कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, तो उसके लिए ये सब असेस करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं और पेशेंट को टीच करते हैं फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग, जैसे कि एक्शन, साइड इफेक्ट, सिम्टम्स ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया, ठीक है। और पेशेंट को जब इन्फ्यूजन चल रहा है तो बेड पे ही रहने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं डाइजेपाम। तो डाइजेपाम में क्या होता है कि मोडोवैक्सिन क्या होता है, इसका सेंट्रल मसल्स रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वल्जेंस होता है ये। इसकी डोज क्या होती है, 20-40 mg IM, ठीक है, IV सॉरी। साइड इफेक्ट क्या होता है, मैटरनल साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसमें, हाइपोटेंशन हो सकता है। और फीटल साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, नहीं, मैटरनल साइड इफेक्ट में हाइपोटेंशन और डिजीनेस, वर्टिगो, डिसोरिएंटेशन या एमनेसिया हो सकता है, ठीक है। और फीटल में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, हाइपोटोनिया हो सकता है, थ्रम्बोरेगुलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और डाइजेपाम का नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या होगा, सबसे पहले असेस करेंगे पेशेंट की BP, लाइंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन दोनों में असेस करेंगे, ठीक है।
और अगर सिस्टोलिक बीपी है वो 20 mmHg से फॉल हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ब्लड स्टडी करेंगे, सीबीसी लेंगे, हेपेटिक स्टडी करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, आईवी इनटू लार्ज वेन टू डिक्रीज चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा वेसेशन, ठीक है, और गिव ओरली विद मिल्क और फूड टू अवॉइड जीआई सिम्टम्स, ठीक है। प्रोवाइड, तो जब ये थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो इसके बिगनिंग में एम्बुलेशन के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, क्योंकि ड्राउजीनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखेंगे, जैसे साइड रेल्स वगैरह लगाना, और इवैल्यूएट करेंगे थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स को इवैल्यूएट करेंगे, मेंटल स्टेटस देखेंगे, सेंसोरियम स्लीपिंग पैटर्न उसका देखेंगे, फिजिकल डिपेंडेंसी क्या है, हेडेक हो रहा है कि नोजिया वोमिटिंग, ये सब हम देखेंगे। वो पेशेंट और फैमिली को क्या टीच करेंगे, ठीक है, तो ये ड्रग्स फूड के साथ में ही लेनी है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है, और मेडिसिन को एकदम से डिसकंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, तो ये सब हम पेशेंट को टीच करेंगे। उसके बाद में है फिनाइनटोइन। तो फिनाइनटोइन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये सेंट्रली एक्टिंग एंटी कन्वल्जेंस, सेंट्रली एंटी कन्वल्जेंस एक्टिंग करती है, जैसे तो इट प्रिवेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन सेल्स, ठीक है, बाय स्टेबलाइजिंग एक्शन, ठीक है, एंड मेनली यूज फॉर ओनली एपिलेप्सी एंड यूज इन एक्लेम्सिया। डोज इसकी क्या होती है, 10 mg/kg IV एट द रेट नॉट मोर देन 50 mg/min, ठीक है, 50 mg/min से ज़्यादा इसको नहीं देते, फॉलोड 2 hours लेटर बाय 5 mg और 2 hours के बाद में 5 mg/kg के हिसाब से इसको देते हैं, और एपिलेप्सी में इसको 300-400 mg डेली देते हैं ओरली इन डिवाइडेड डोजेज में। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, मेटरनल साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डिक एरिथमिया हो सकता है, फ्लेबाइटिस एट इंजेक्शन साइट हो सकता है, और फीटल में क्या होता है कि इसके फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, तो ये सब होते हैं फिनाइटोइन में। अब फिनाइटोइन का नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या होता है कि ब्लड स्टडी करेंगे, सीबीसी करेंगे, प्लेटलेट एवरी 2 weeks करेंगे अंटिल स्टेबलाइज नहीं हो रहा पेशेंट, जब तक डिसकंटिन्यू ड्रग इफ न्यूट्रोफिल्स लेस देन 1600 per minute per mm cube, ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल्स है वो 1600 per mm cube से कम हो रही है तो इस कंडीशन में ड्रग को डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो पहले इसको नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ में डाइल्यूट नहीं करते। इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट का मेंटल स्टेटस, सेंसोरियम अफेक्ट, मेमोरी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, और सोर थ्रोट, ब्रूजिंग, ये सब असेस करते हैं, ठीक है, और जो पेशेंट और फैमिली है उसको जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सभी जो एस्पेक्ट्स हैं वो सब उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी उसको साइड इफेक्ट दिख रहा है तो तुरंत वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। उसके बाद में एंटी कोआगुलेंट्स पढ़ते हैं, उसमें पहले सबसे पहला हेपेरिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये थ्रोम्बिन का एक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। डोज इसकी क्या होती है, 5,000-10,000 इंटरनेशनल यूनिट टू बी एडमिनिस्टर पेरेंटरली, ठीक है, सबक्यूट या फिर आईवी, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन इज 2500 IV, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, मैटरनल साइड इफेक्ट में क्या होते हैं, हेमरेज, ओर्टिकेरिया, थ्रम्बोसाइटोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया, ये सब इसके
साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज, या फिर फैट नेक्रोसिस हो सकता है, हिमेटोमा हो सकता है, ठीक है, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। फीटस में क्या साइड इफेक्ट होते हैं? फीटस में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो इसके नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या होते हैं एपेरिन के? जैसे कि असेस करना है, सबसे पहले ब्लड स्टडी करनी है, हेमेटोक्रिट लेवल, प्लेटलेट लेवल, ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल देखना है, पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम देखना है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को देखना है, साइन ऑफ हाइपरटेंशन है तो उसको देखना है। एडमिनिस्टर के टाइम पे क्या करना है, तो क्या करनी, मतलब जिस टाइम पहले दिन इसका जो डोज दी जाती है उसी टाइम नेक्स्ट दिन भी सेम टाइम पे उसकी डोज दी जाएगी, तो ईच डे पे एक ही टाइम पे इसकी डोज दी जाएगी ताकि ब्लड में उसका लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। और आईवी इंजेक्शन अवॉइड करने हैं क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इवैल्यूएट क्या करना है, थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स को इवैल्यूएट करना है, डिक्रीज ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही वो देखना है, ब्लीडिंग गम्स तो नहीं हो रहे, पेटेसिस, एकाइमोसिस, ब्लैकी जेरी स्टूल तो नहीं आ रहा, हिमेचूरिया तो नहीं हो रहा है, ठीक है, फीवर, स्किन रेसेस, उर्टिकेरिया, ये सब देखते हैं। और फैमिली और पेशेंट को क्या टीच करते हैं कि अवॉइड ड्रग का अवॉइड यूज है, सॉरी, अगर फिजिशियन ने अगर उसको प्रेस्क्राइब नहीं किया है तो वो ड्रग का यूज नहीं करें, ठीक है। और टूथब्रश के लिए सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले टूथब्रश का यूज करें फॉर अवॉइड ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। और अगर कोई ब्लीडिंग का साइन दिखाई दे रहा है गम्स में, अंडर स्किन में, यूरिन स्टूल में, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। उसके बाद में है वारफेरिन। तो वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इट इंटरफेयर्स विद सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स जो होते हैं, तो फैक्टर्स सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ दो होते हैं, उनके सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, ठीक है। और डोज इसकी क्या होती है? 10 mg ओरली इसकी डोज होती है। साइड इफेक्ट क्या होता है? मैटरनल साइड इफेक्ट, इसमें हेमरेज हो सकता है मदर में, ठीक है, और फीटस में इसमें हो सकता है कॉन्ट्राटी सिंड्रोम, जैसे स्केल्टन या फेशियल एनोमलीज हो सकती है, ऑप्टिक एट्रोफी, माइक्रोसिफेली, ये सब हो सकता है, ठीक है। इसका नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या होता है कि असेस करना है, ब्लड स्टडी को असेस करना है, हीमेटोक्रिट को असेस करना है, प्लेटलेट को असेस करना है, ओकल्ट ब्लड को असेस करना है अगर स्टूल में है तो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना है, बीपी को देखना है, ठीक है। और एडमिनिस्टर करते टाइम भी इसमें भी यही ध्यान रखना है कि हर दिन सेम टाइम पे इसको दिया जाता है, ठीक है, और डू नॉट गिव विद फूड, ठीक है, अकेला दिया जाता है, फूड के साथ में इसको नहीं दिया जाता। और IM इंजेक्शंस को अवॉइड करना है और स्टोरेज इन टाइट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद में इवैल्यूएशन करना है, डिक्रीज ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग गम्स, पेटेसिस, इकाइमोसिस, ब्लैक डेरी स्टूल, हिमेचूरिया, फीवर, स्किन रैशेस, ये सब को असेस करना है। और फैमिली और पेशेंट को टीच करना है फॉर अवॉइड ओवर द काउंटर यूज, ठीक है, यूज द मेडिकेशन। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान इसको विदहोल्ड करना है, ठीक है, सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश का यूज करना है, ठीक है। अगर कोई ब्लीडिंग का साइन दिखाई देता है पेशेंट को तो तुरंत रिपोर्ट करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।